हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज का एंड शुरू करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर रहे थे कौन से वर्ड्स हम यूज करने जा रहे हैं। ओवरकिल मतलब कि कोई ऐसा एफर्ट जो जितना जरूरत है तो उससे ज्यादा एफर्ट डालना। ओके okay? मेरिट का मतलब होता है वैल्यू। ओके okay? मूल्य या फिर कितनी वैल्यू कुछ कोई चीज रखती है आपके लिए। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब एक वेरी वेरी इंटेंस अनकंट्रोल्ड फायर, एक ऐसी आग जो तबाही मचा दे, या कोई भी ऐसी चीज जो तबाही ला दे। क्रिपलिंग इफेक्ट होता है नया अगला वर्ड। इसका मतलब होता है समथिंग हैविंग अ वेरी सीरियस हार्मफुल इफेक्ट, बहुत सीरियस और बहुत नुकसानदायक जो इफेक्ट होता है उसे क्रिपलिंग इफेक्ट कहेंगे। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि एक पोलाइट वर्ड यूज करना, ठीक है, कोई पोलाइट वर्ड या एक्सप्रेशन यूज करना बजाय इसके कि कोई बहुत डायरेक्ट चीज कुछ किसी को बोल रहे हैं। ओके इनडायरेक्टली बोलना किसी चीज। एक्सप्लिसिटली अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कुछ क्लियरली या ओपनली दिखाना। ओके बिना कुछ छुपाए हुए। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है अराउजिंग टू एक्शन और रिपेलियन, विद्रो करना या फिर कुछ एक्शन लेना या विद्रो करने का एक्शन लेना, ऐसा कुछ। स्लेज हैमर मतलब कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ही पावरफुली क्रश कर दे। ओके विद्रोह को दबाना हो तो पूरा क्रश करते हुए दबा दिया, ऐसा कुछ। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद। ड्रैग ने मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आना, लड़ाई झगड़े में आना, ठीक है, अपोज करना। ड्रैग नेट मेरे लिए भी नया वर्ड है, मतलब होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड मेजर्स, मतलब कि बहुत सारे मेजर्स ली जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते देखे जा रहे हैं और उन सब का कोऑर्डिनेटेड वाला सिस्टम। ओके ताकि एप्रिहेंड किया जा सके क्रिमिनल्स को या अदर इंडिविजुअल्स को, एक सिस्टम की बात हो रही है। प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक और मैनेवर इंटेंडेड टू गेन एडवांटेज, मतलब कोई ऐसा टैक्टिक, कोई ऐसा प्लान जिससे कि कुछ एडवांटेज मिल पाए। ओके बिलीगर्ड मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो डिफिकल्टीज, ओपोजिशन या क्रिटिसिज्म में फेस कर रहा हो, ठीक है, उसे कहेंगे बिलीगर्ड, एडजेक्टिव है ये। एट द हेम एक इडियम है, इसका मतलब होता है इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हेड। इन ट्रांसिजेंस अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि कोई बिल्कुल जो कॉम्प्रोमाइज ना करे। ओके उसे कहेंगे इन ट्रांसिजेंस। स्पोरेडिक का मतलब होता है रकर करना, मतलब कि बार बार आना। इन स्कैटर्ड एंड इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल इंस्टेंसेस, ओके मतलब कि रुक रुक के कोई चीज हो रही है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल वे में, उसे स्पोरेडिक कहेंगे। आइए एडिटोरियल देखते हैं। ओवरकिल ऑन द इंटरनेट शटडाउन इन मणिपुर, जो मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन हुआ है उसे हिंदू वाले ओवरकिल कह रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि ओवरकिल का मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब आप एक मच्छर को मारने के लिए बजूका का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ओवरकिल कहेंगे, ठीक है, मतलब कि जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा एफर्ट आप डाल रहे हैं। ओके तो इसको कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन जो मणिपुर में हुआ है वो ओवरकिल है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड द इंटरनेट शटडाउन लैक्स मेरिट, मतलब कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इंटरनेट शटडाउन को एक्सटेंड करने का, वो वैल्यू नहीं है उसमें, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब है वहां पर। द मणिपुर हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे ग्रांटेड लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, मणिपुर हाई कोर्ट ने लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस ग्रांट किया है कुछ जगहों पर, ठीक है। एक पिटिशन डाली गई थी नेट एक्सेस के रिस्टोरेशन की उसके बाद। ओके शटडाउन्स बिगेन फॉलोइंग द वायलेंट कॉन्फ्लेग्रेशन, जो डिस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुआ था। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब वैसे तो आग होता है जो किसी को कंट्रोल ना कर सके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब है कि जिसने डिस्ट्रक्ट किया है, तबाही मचाई है। ओके तो कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब याद रहेगा आपको। तो शटडाउन शुरू हुए थे, इंटरनेट शटडाउन, जब ये आग फैली थी मई 3 को, और उसके बाद एक्सटेंड ही होते रहे रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। लास्ट में जो हुआ वो एक्सटेंशन ऑर्डर था वेंसडे को जून 25 तक, ठीक है। इसके लेकिन इसके विरोध में कुछ लोगों ने एक पिटिशन डाली जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके और जो रिक्वेस्ट डाली गई थी वो लेजिटिमेट है क्योंकि शटडाउन का एक क्रिपलिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे और लाइवलीहुड्स पे। ओके तो शटडाउन जो है इंटरनेट से बहुत लोगों का रोजगार चलता है। ओके
बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका एक क्रिपलिंग इफेक्ट होता है। क्रिपलिंग इफेक्ट मतलब कि समथिंग यू नो हैविंग अ वेरी सीरियस हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ही सीरियस और हार्मफुल इफेक्ट जो होता है उसे क्रिपलिंग इफेक्ट कहेंगे। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे और लाइवलीहुड्स पे ये इफेक्ट आ रहा था। सिटीजन्स जो थे वो एक्सेस करने में अनेबल थे वाइटल सर्विसेज, जो बहुत जरूरी सर्विसेज होती है। वाइटल मतलब जिसके बिना जिंदगी ना चल पाए, जैसे कि ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। और लेकिन कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट की परमिशन थी, उनके पास एक्सेस था, ठीक है। तो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं और स्टेट में मई 3 से, और जो रिलेशनशिप है मेटीज और कुकीज के बीच में वो भी टेंस है, ठीक है। मतलब अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर्स जो सीक कर रहे हैं कि शटडाउन को एक्सटेंड कर पाए, वो दिखाते हैं ट्रेस, ठीक है, साइट मतलब दिखाना, ठीक है। वो दिखाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा सकता है, ठीक है। तो जो देखिए, एक तो पेटिशन डाली गई है कि शटडाउन को खत्म किया जाए, लेकिन कुछ ऑर्डर्स भी हैं जो शटडाउन को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। वो ये दिखाते हैं, वो ये कोट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटन किया जा सकता है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि यूफेमिज्म है, किस चीज का, एक्सट्रीमिस्ट का। तो कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं याद आ रहा। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके लिए एक पोलाइट वर्ड है एंटी सोशल एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो पोलाइट वर्ड है वही यूफेमिज्म का मीनिंग है यहाँ पे, यूफेमिज्म का, ठीक है। इसका देखिए, पोलाइट वर्ड एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू रिफर टू थिंग्स व्हिच पीपल मे फाइंड अपसेटिंग और एम्बैरेसिंग टू टॉक अबाउट। तो जो एक्सट्रीमिस्ट कहना पसंद नहीं करते वो एंटी सोशल एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऐसा, ओके, राइट। तो इंडल्जिंग इन वायलेंट एक्ट्स और द पोजिंग ऑफ वायलेंस प्रोमोटिंग मटेरियल रादर देन एक्सप्लिसिटली सीकिंग टू रिटेन दीज बैंस, ठीक है। तो ये ऊपर से आते हैं, फिर से पढ़ते हैं। जो ऑर्डर सीक कर रहे थे कि शटडाउन को एक्सटेंड किया जाए, वो दिखाते हैं थ्रेट्स, ठीक है, इन एंटी सोशल एलिमेंट्स का। जो और एक्सट्रीमिस्ट जो इंडल्ज हो रहे हैं वायलेंट एक्ट्स में उसको भी दिखाते हैं, या पोस्ट कर रहे हैं वायलेंस प्रमोटिंग मटेरियल को उसको भी दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि एक्सप्लिसिटली का मतलब कि बिना कुछ छुपाए हुए सब कुछ दिखा देना, ठीक है। तो जो सीक कर रहे हैं कि ये बैंस रिटेन हो, राइट, बिकॉज जो पब्लिक इमरजेंसी होने, तो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी आर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 5(2) ऑफ टेलीग्राफ एक्ट एंड टेलीग्राफ रूल्स, ओके, बट द ऑर्डर सीकिंग प्रोसीजर टाइप ट्रेस, ओके, रेदर देन एक्सप्लिसिटली सीकिंग टू रिटेन दीज बैंस। तो वो पब्लिक इमरजेंसी के लिए या इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट के लिए इन बैंस को नहीं एक्सटेंड करना चाहते, बल्कि वो एक्सटेंड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं वॉरेंट एक्ट में, या फिर थ्रेटनिंग हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एंड लाइकवाइज, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने ये भी बताया हाई कोर्ट को कि शटडाउन जो थे वो रिक्वायर्ड थे, उनकी जरूरत थी, क्योंकि उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करना था जिन पे इन्फ्लेमेटरी मटेरियल पब्लिश हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या है, ऐसे मटेरियल जो कि यू नो विद्रोह की भावना पैदा करें या कोई एक्शन लेने की भावना को पैदा करें, राइट। लेकिन ऐसा एक स्लेज हैमर अप्रोच जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे स्लेज हैमर का अप्रोच क्या हुआ, जो मैंने बोला ओवरकिल, उससे मैच करता है थोड़ा सा, कि एक मच्छर को मारने के लिए आप बजूका चलाएं, ठीक है। तो उससे कहेंगे स्लेज हैमर अप्रोच, कि ऐसा अप्रोच कि कुछ लोगों ने गलत चीज वेबसाइट पे डाल दी, कुछ वेबसाइट पे, उसके लिए आप पूरा इंटरनेट ही बंद कर दें, जो कि बहुत सारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसलिए इसको स्लेज हैमर अप्रोच कहा गया है, जो कि क्रशिंगली पावरफुल हो। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, बताया था कि इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो है वो कॉन्ट्रावेंशन में है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब कि वो सपोर्ट नहीं करता है किस चीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम टू कैरी आउट कमर्शियल वर्क को, इन सब चीजों के अगेंस्ट होता है जो इंटरनेट सर्विसेज का सस्पेंशन होता है, क्योंकि उससे लोग कैरी आउट नहीं कर सकते अपनी एक्टिविटीज को, राइट। और ये जो चीजें हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है, इसको इसे आप मना नहीं कर सकते। उसने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सस्पेंशन जो हैं अगर होते हैं तो वो एडहर करें, मतलब कि वो
स्टिक करे और माने किसी चीज को, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, और बिना मतलब के अननेसेसरी ड्यूरेशन पे एक्सटेंड ना हो, ठीक है। कंटिन्यूइंग अ ड्रैगनेट सस्पेंशन इन मणिपुर इन दिस फैशन सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज मेरी यूजिंग द शेड्यूल सब्स्टिट्यूट फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर इस ड्रैगनेट को, मतलब कि इस पूरे सस्पेंशन को, ड्रैगनेट का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मेजर्स हैं, राइट, जिसमें एक इंटरनेट सस्पेंशन भी आता है, वो अगर उन सबको कंटिन्यू कर रहा है मणिपुर की गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सुझाव देती है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इंटरनेट को बंद करके एक सेंचुरी की तरह यूज कर रही है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की जगह पे। ओके, अनदर प्लॉय दैट द कोर्ट हैज कम डाउन हेवीली अपॉन, ये और ये चीज जो है कि ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रही है मणिपुर गवर्नमेंट, ये एक दूसरा प्लॉय है, दूसरी टैक्टिक है जिसपे कोर्ट जो है, कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुनाया है मणिपुर गवर्नमेंट को। प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक और मेनेवर इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज, मतलब कि एडवांटेज गेन करने के लिए कोई भी एक चाल, ठीक है, इसपे भी कोर्ट ने अच्छे से सुनाया है। सिचुएशन जो मणिपुर में है वो इफेक्टिवली टैकल की जा सकती है एक रिजाइन के द्वारा, जो कि रिस्टोर करते सारे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, ओके, और जो एंगेज करे सिविल सोसाइटी एक्टर्स से, ताकि इंटर कम्युनिटी रिस्टोरेशन डायलॉग्स भी हों और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आइसोलेट किया जा सके, उनको अलग किया जा सके और परसू कर पाए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ताकि जिससे कि पीस और नॉर्मलसी वापस आए। लंबा सेंटेंस है, होपफुली मैंने डिकोड कर दिया इसको, बट विद अ बिलिगल्ड चीफ मिनिस्टर। बिलिगल्ड चीफ मिनिस्टर मतलब कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा पर्सन जो कि डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके, ओपोजिशन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्रिटिसिज्म एक्सपीरियंस कर रहा है। एट द हेल्म अगेन इज एन इडियम, इसका मतलब इन चार्ज, ओके, तो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो कि डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, वो चार्ज में है, एक ऐसा लीडर जिसने अपने बहुत सा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है अपने कलीग्स का, और जो इनट्रांसिजेंस है ऑफ मेनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इनट्रांसिजेंस, मतलब कि वो जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और उनकी इनेबिलिटी टू राइज अबाउट देयर एथनिक आइडेंटिटीज टू परस्यू पीस, ओके, कि वो जो उनकी एथनिक आइडेंटिटीज है ना, उससे ऊपर उठने को वो तैयार नहीं है, ठीक है, ताकि पीस को परसू किया जा सके, मतलब कि पीस को लाया लाया जा सके। स्पोरेटिक वायलेंस कंटिन्यूज, मतलब कि वायलेंस जो है वो रुक 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 के कंटिन्यू हो रही है, स्पोरेटिक, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इनफ्रीक्वेंटली होती है और अनप्रिडिक्टेबल वे में होती है, ओके, इवन एज दोज डिस्प्लेस आर अनेबल टू रिटर्न होम, हम देख ही पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेस हो गए हैं वो घर नहीं लौट पा रहे हैं इन वायलेंस के बीच में, ठीक है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन जारी रहे, जो कि अभी तक 1.5 महीने से चल रहा है, और इसे इंटरनेट शटडाउन को खत्म होना ही चाहिए, मतलब इंटरनेट शटडाउन को हटा देना चाहिए, इंटरनेट को रिस्टोर करना चाहिए। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको ये सारे वर्ड सीखने को मिले। लेट मी नो इफ यू हैव लर्न एनी न्यू वर्ड एंड लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैब बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।